हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, हरियाणा के अंदर कॉन्स्टेबल को ज्वाइन कराया गया था 3087 को, तो इनको तो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरोप लगाया गया है कि मेरिट वाले बाहर हो रहे हैं, आर्थिक सामाजिक अंक वाले पा रहे नौकरी। तो इसमें देखिए टोटल जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, तो देखिए 5500 कॉन्स्टेबल की भर्ती में 287 अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं। इसी बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र देने पर मंगलवार को रोक लगा दी थी। यह आदेश पुलिस सिपाही भर्ती में आर्थिक सामाजिक अंक जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स थे उनके बेस पर मेरिट सूची बनाने को चुनौती देने वाले पुनर्विचार याचिका पर दिया गया है। याची पक्ष की तरफ से कहा गया कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, इसके बाद उनकी याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रहेगा। हाईकोर्ट ने पत्र जारी करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार को जवाब दायर करने के लिए 17 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की है। देखिए ये पेज कहाँ पर फंसा हुआ है कि ज्वाइनिंग को रोक दिया गया है। लिखित परीक्षा में प्राप्त स्कोर में आर्थिक सामाजिक आधार पर अंक जोड़े जा रहे हैं, इसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं और आर्थिक सामाजिक अंक पाने वाले वालों को नौकरी मिल रही है। परसेंटाइल फॉर्मूला से परिणाम जारी करने के विरोध में 350 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। तो देखिए आगे क्या बोला गया है। हाईकोर्ट ने लगाई है रोक, 5500 में से 2413 सिपाहियों की नियुक्ति अटकी। तो टोटल 2413 जो कॉन्स्टेबल हैं उनकी अटका दी गई है ज्वाइनिंग। हरियाणा में 5500 पुरुष सिपाही भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका देते हुए अब किसी भी आवेदक को नियुक्ति न देने का आदेश दिया है। यह आदेश एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है। इससे दूसरी सूची वाले 2047 चयनित समेत कुल 2413 सिपाहियों की नियुक्ति अटक गई है। पहली सूची वाले 3087 सिपाहियों को नियुक्ति मिल चुकी है। याचिका दाखिल करते हुए 41 अभ्यर्थियों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ने पुरुष और महिला सिपाही के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा के बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी की गई, लेकिन नियुक्ति के समय सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति को अपना लिया। नॉर्मलाइजेशन की नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है। याचिका पर लंबे समय तक सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों की याचिका पर भी सुनवाई करते हुए भर्ती पर रोक लगा दी थी। तो याचिका जो जिसने कोर्ट केस किया है उसका क्या दावा है। सरकार ने कोर्ट को मौखिक तौर पर विश्वास दिलाया था कि याचिका लंबित रहते नियुक्ति पत्र जारी नहीं करेंगे। इसके बावजूद आवेदकों को नियुक्ति देना आरम्भ कर दिया गया है। इससे पहले याचिका किसी अन्य बेंच के समक्ष पहुँची थी और बेंच ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि याचिका को मुख्य याचिका सुनने वाली बेंच के समक्ष ही रखा जाए। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार के बाद किसी भी आवेदक को नियुक्ति देने से रोक लगा दी है। यानी कि जो अब हरियाणा कॉन्स्टेबल के 5500 प्लस कैंडिडेट थे उनमें से जो 3087 कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा अभी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ये हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर कहा गया है। तो एक बहुत बड़ा पिच है जो फंसा हुआ है कैंडिडेट के ज्वाइनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद ही आगे ज्वाइन करवाया जाएगा कैंडिडेट्स को। तो एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबसे शेयर करनी थी। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।